बताओ अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो गुजरात स्टोरी बनाओ, बना लो, खुली चुनौती है, पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है भारत। बताओ गुजरात से 42,000 महिलाएं कहाँ गायब? देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, पुलिस वाले हिंदू, तो क्या हिंदू के सर से पूछिए ये हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो, यौन शोषण हो और हिंदू बच्चियां बोले ना बहनों मित्रों पाकिस्तान के बालाकोट स्ट्राइक पर आपका वोट मिल सकता है क्या? देश के लोगों ने दिया ना, देश की जनता का आवाज है, आप रोक नहीं सकते। ये आपका टीवी चैनल नहीं है जो बंद कमरे में मदारी का खेल दुगरुगी बजा के कराते हो। पहले राजा महाराजा भांड रखता था और आप जैसे पत्रकारों को रख रखा है मोदी सरकार ने। सवाल पूछने पर आप रोक लगाते हो, ये हिंदुस्तान की बात है। आपको सरकार से सवाल पूछना लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो, आपको दीमक खा गया, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का अस्त्र गिर गया भाजपा की सरकार में, इसलिए आप सवाल नहीं पूछते। सवाल पूछो, बोलो बोलो बोलो। तमाम महिला खिलाड़ियों द्वारा जो महिला सांसद हैं उनको पत्र लिखा गया लेकिन अभी तक जवाब नहीं दिया उन्होंने, मजबूरी मानी। मट्टी रानी भी कुछ नहीं बोली। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुनगाता है, सरकार का गुनगाता है। जो सरकार में कोई भी पार्टी हो, लाइजनिंग करने वाले, दलाली करने वाले लोग उसी के खाते हैं। क्या हुआ स्मृति ईरानी जी को? पालघर की घटना पर नागिन डांस रही थी, ये वो चूड़िया लेके कूद रही थी, आज सिलेंडर पर ऐसे सर पर लेके कूद रही थी। आज स्मृति ईरानी जी से पूछिए कि स्मृति ईरानी जी अगर आपकी बेटी के साथ यौन शोषण हुआ होता तब भी क्या आप चुप रहते? ये सवाल सिर्फ खिलाड़ियों का नहीं है, ये पूरे देश के बेटियों के मान सम्मान की बात है। आपको जाति धर्म भाषा प्रांत से ऊपर उठकर अपने देश की बेटियों के सम्मान में आना होगा। दूसरी बात, मैं साफ साफ ब्रजभूषण शरण सिंह को कहना चाहता हूं, आप मेडल को 15-20 रुपए में मत आके, आपकी औकात नहीं है जो आप ये मेडल ला सकते हैं, आपके औकात से ऊपर की चीज है। आप क्या जानो, आप क्या जानो, आप अपराधी हो, आपके बस की बात नहीं, आप खिलाड़ी नहीं हो, आपको भाजपा की दलाली में आपको बना दिया गया। आपने क्या काबिलियत है ये तो बताओ, आप कौन होते हो पूरे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले? निश्चित तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह पर मेडल 15 रुपया बताना, मेडल का अपमान करना, भारत का अपमान करना है, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सिर्फ पास्को एक्ट के तहत बलात्कार का केस ही दर्ज नहीं होना चाहिए, अब तो देश को बदनाम करना देशद्रोही का काम है। जो हमारे देश के खिलाड़ियों ने मेडल लाया उसका अपमान भारत का अपमान है। यही लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये यही चड्डी वाले हैं। सुनिए ना, अरे भैया प्रदीप करूर पर सवाल नहीं पूछते हो, चार चार पीढ़ियां आरएसएस में थी, पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा था, सवाल पूछ लो ना। अरे आला आपका वहां से आला कमान दे देगा चिट्ठी, कैसी बात कहते हो यार। अगर वही प्रदीप करूलकर के जगह कोई मुसलमान होता तो आप यूं तथैया नाच रहे होते, आप सवाल ही नहीं करते। जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली मुखबरी कर रहा था उनकी नजायज औलादें आज भी पाकिस्तान की खुफिया जानकारी दे रहा है, आप उस पर सवाल नहीं पूछते। आप सवाल नहीं पूछते कि सतपाल मल्लिक के घर पर सीबी, अरे भाई अरे सुन तो लो, सतपाल मल्लिक ने अगर सत्य स्वीकारा तो उनकी क्या गलती है जो उनके घर पर सीबीआई की रेड हो रही है, आईडी की रेड हो रही है? प्रधानमंत्री को आखिर क्या डर है? आप सवाल जब भी पुलवामा घटना पर जवाब देना था प्रधानमंत्री को कि 2019 में घटना हुई थी, आज 2023 है, 4 साल में प्रधानमंत्री मां भारती के लालों को इंसाफ नहीं दिला पाए। भाइयों बहनों मित्रों पाकिस्तान के बालाकोट स्ट्राइक पर आपका वोट मिल सकता है क्या? देश के लोगों ने दिया ना। भाइयों बहनों मित्रों पुलवामा घटना पर वोट मिल सकता है क्या? इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है, अमित्रो पूरे विश्व में घूम घूम के फेंकता है, पूछता है भारत प्रधानमंत्री जी पुलवामा घटना की जांच हो सकती है क्या? प्रधानमंत्री जी 300 किलो आरडीएस किसका था बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी वो कार किसकी थी बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी वो कार किसकी थी ये बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी आरडीएस किसकी थी बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी सीआरपीएफ के अधिकारियों ने जब चिट्ठी लिखी थी
उसके बावजूद आपने एयरलिफ्ट नहीं मुहैया कराया, क्या कारण था बता सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री जी इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, इसको इसके बावजूद भी आपने नजरअंदाज किया, आप बता सकते हैं क्या आखिर क्यों किया प्रधानमंत्री जी? लेकिन बाबा बागेश्वर पटना गए लेकिन यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो जाइए ना आप। अरे आप क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ? महिलाओं की बात करते हैं लगा। बाबा बागेश्वर से पूछिए, ये हिंदुओं की बेटियां हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हो, यौन शोषण हो और हिंदू बच्चियां बोले ना? हाँ बताओ, हमारे धर्म में जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। आप पढ़ो ना, बगैर नारी के, बगैर बेटियों के पूजा के। अरे भाई पटना बिहार है, वो सम्राट अशोक की धरती है। उड़ती चिड़िया के पिछवाड़े में हम लोग हल्दी फेंक के लगा देते हैं। आप मत चिंता कीजिए, वहाँ पाखंड है। सुनो ना, अरे भाई सुन तो लो, सुन ही नहीं रहे। हमारे बिहार में कोई आश्रम देखा क्या ऐसा आसाराम? अरे भाई वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उल्लास पांडे हेलीकॉप्टर चार्टर प्लेन में लेके जा रहा, मनोज तिवारी ड्राइविंग कर रहा, तो वो भाजपा का रोड शो है, आप उसको छोड़ दीजिए। अरे भाई सुनो रे, अरे सुन तो लो, बिहार की धरती गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली, भगवान महावीर की जन्मस्थली, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली, वहाँ माँ सीता की जन्मस्थली, आर्यभट्ट और चाणक्य जैसे लोग वहाँ पैदा लिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति वहाँ पैदा लिए। आप बिहार पर सवाल ना उठाइए, शांत रहिए। अरे शांत रहिए, अरे शांत रहिए। भीड़ किराए पर ले लो, 500 रुपया दिहाड़ी पर, देश बेचने का पूरा बस भर के ले जाओ, पूरे देश का भी। अरे भाई सुनो सुनो, मनोज तिवारी कहाँ का है? अरे भाई अभी सवाल आप एक सुनो, ए भाई 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 सुनो, आप एक महिला हैं, आप एक महिला हैं, हमें उम्मीद है कि शायद आप हिंदू बेटियां हैं, तो क्या जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, राज्यपाल हिंदू, डीजीपी हिंदू, पुलिस वाले हिंदू, तो क्या हिंदू बेटियां खतरे में नहीं हैं? किस हिंदू खतरे की बात कहते हैं? यही तो देख। अरे भाई सुन ना रहे, अच्छा केरला स्टोरी में 20,000 लड़कियों पर बनाया फिल्म, 32,000 पर। हाँ बस 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 बस, आइए आइए पत्रकार बहुत है, फैक्ट चेक में कितनी लड़कियां गायब हैं वहां से? अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तीन बताई जा रही है। गुजरात में कितनी लड़कियां गायब हैं? तीन का कम लग रहा। अरे अरे बेशर्म हो, सत्ता के दलालो हबसियो, सुन लो, गुजरात से 42,000 लड़कियां गायब हैं। आप बताओ, बनाओ, अगर हिम्मत है माँ का दूध पिया तो गुजरात स्टोरी बनाओ, बना लो, खुली चुनौती है, पूछता है भारत और आप जैसे पत्रकारों पर थूकता है। बताओ गुजरात से 42,000 महिलाएं कहाँ गायब हैं? बताओ, नहीं बताओगे यहाँ भांड की तरह भी भी भी। आप केरला स्टोरी देखने नहीं, तारीफ कर रही हो? अच्छा आप गुजरात देखने कौन जाएगा? आपकी बुआ जी जाएंगी? अरे भाई गुजरात की 42,000 महिलाएं गायब है। अरे फिर रूठ लो, फिर आप ही बोल रहे हैं। आप जब केरला में महिलाएं 32,000 गायब ही नहीं है, अगर आप डाटा दे दीजिए हम मोदी जी का विरोध करना छोड़ देंगे। पुलिस में तो कह रहे हैं ना कि लड़कियां वापस आके घर चले गई, एनसीआरबी का डाटा झूठा है। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो हबसियो, इतने गिर जाओगे, इतने गिर जाओगे। अरे दो टके के आप एनसीआरबी पर आपको भरोसा नहीं है? एनसीआरबी, अरे नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा है, हम कह रहे हैं। आपने सुनो, अरे सुन तो लो, साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर है, आपने दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देखी होगी। आप देखो वहाँ कि आप जब देखोगे आंकड़े तो चौंकाने वाली बात है। साउथ में जितना संस्कृत के द्वारा, मंत्रोच्चार के द्वारा पूजा पाठ की जाती है उतना हम लोग तो कर भी नहीं पाते। तो वहाँ भाजपा मुक्त साउथ हुआ कि नहीं हुआ? वहाँ के हिंदुओं ने देखा कि टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी, इसलिए तो साउथ मुक्त हो गया। आप कर देंगे बाबा बागेश्वर आपको। अच्छा एक काम करो, सुनो ए बाबा, बाबा बागेश्वर धाम की लाडली इधर आओ, उनको पाकिस्तान बॉर्डर पर भेज दो, अब बोलो सारे पाकिस्तानियों को भस्म कर दे। अरे भेज दो ना उनको चाइना बॉर्डर पर, बोलो बाबा पर्चा निकाल दो सी जिनपिंग के खिलाफ, पूरे चाइना के खिलाफ। चाइना शाहा, क्यों इतने आर्म्स खरीदने की जरूरत है भाई? बाबा बागेश्वर को बैठा दो, चाइना स्वाहा, पाकिस्तान स्वाहा। अरे बेशर्मो, धर्म हिंदू धर्म में कहता है, सुनो ए, भगवान चित्रगुप्त के बारे में सुना है? कौन थे भगवान चित्रगुप्त?
कर्म आधारित फल मिलता है। आप जो कर्म करोगे, ऐसा अगर कोई मंत्र है कि इस नीम के पेड़ में आम फल जाए तो सारे नीम के पेड़ में आम फला दो। अच्छा। आप देखो धर्म को अपने व्यापार से मत जोड़ो। अरे भाई सर, यहाँ बेटियों के इंसाफ में आए होता है, कहो ना बाबा बागेश्वर को यहाँ से फू करेंगे आप ब्रजभूषण जेल में। अरे भाई तो खुले बेवकूफा, जाओ अर्जी लगा के आओ। तुम क्या महिला नहीं हो? तुम क्या किसी की बेटी ना हो? तुम इतने बेशरम हो कि तुम बेटियों के इंसाफ की मांग ना कर सकते? डूब मरना चाहिए तुम्हें। दो कौड़ी के लिए नाचने गाने आ जाते हो, पत्रकार के नाम पर ठुमका लगाने आ जाते हो, कैसी बातें करते हो?